नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु कृपा सीएससी यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त विक्रम बुक्कल। तो दोस्तों, अगर आप आज पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएँगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सरल की साइट पर आ जाना है। गूगल मेन्यू टैब में हमें सर्च करना है कि sarlharyana.gov.in, तो मैं सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये लिख दिया मैंने सरल हरियाणा और ये मैंने अपने आईडी पासवर्ड डाल दी है सरल के, और ये कैप्चा डालते हैं नीचे, और इसके बाद दोस्तों सबमिट करता हूँ। और दोस्तों, अब हमें अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना, और इसके बाद दोस्तों व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर, और अब हमें सर्च बार में लिखना दोस्तों NAC, तो ये ऑप्शन आ जाता है NAC बर्थ डेथ, इस पर क्लिक करना हमें। तो दोस्तों, अगर हम बर्थ का बनाते तो बर्थ पे, वरना डेथ का बनाते डेथ पे, और इसे हमें हिंदी में रखना। तो दोस्तों, अब हम भर लेते हैं कि डेथ कब हुई बंदे की, साल डेट मंथ और डेट तीनों चीज़ डाल देते हैं। अगर आपको साल साल पता तो साल साल भी डाल सकते हो। तो दोस्तों, अब हमें थोड़ा नीचे आ जाना है इसमें। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, ये कर देता हूँ। तीनों चीज़ डालने के बाद हमें थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब जिसकी मृत्यु हुई वो घर पे हुई या हॉस्पिटल में, तो संस्थानिक यानी कि हॉस्पिटल में, रूरल में, गांव में या शहर में वो डालना है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट में वो डालना है। और इसके बाद हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल था या कमर्शियल बोर्ड था या जो भी वो डालना है, और इसके बाद हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल वो डालना है, और अब गवर्नमेंट दस कहाँ पे है वो डालना हॉस्पिटल। और अब मृतक का स्थान, तो दोस्तों अब हमें इसका स्थान डालना, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ इसका नाम डाल दिया, सॉरी दोस्तों। और आप नीचे आके इसमें इंग्लिश में इसका स्थान डालना। तो दोस्तों, अब हमें इसे सिटी का, शहर का नाम डालना। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ इसका पुलिस स्टेशन का नाम डालना है जहाँ का आपका पुलिस थाने लगता है। तो दोस्तों, मैं अब इसका पुलिस स्टेशन का नाम डाल लेता हूँ दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों, अब जिसकी डेथ हुई है उसका नाम डालना है इंग्लिश में। तो दोस्तों, अब मैं इसका नाम डाल लेता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं इसका यहाँ पर नाम लिख के अभी डाल लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने इसका नाम डाल दिया, और अब ये मेल है, और अब इसके फादर नेम वो डाल देता हूँ मैं, जो भी इसके डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड वगैरह में वही डाल देता हूँ। तो दोस्तों, मैं और अब दोस्तों इसकी मदर का नाम डालना है, जिसकी डेथ हुई उसकी माँ का नाम। तो दोस्तों, ये भी मैं अभी डाल लेता हूँ, ये डालते हैं दोस्तों। अब उनकी गार्डन वगैरह का खाली छोड़ सकते हो, अब उसे परमानेंट एड्रेस डालना है जो भी इसका एड्रेस है। तो दोस्तों, अब मैं इसका पूरा एड्रेस डाल देता हूँ। तो दोस्तों, ये हो गया इसका एड्रेस, और अब मैं इसका अप्लीकेंट का यानी कि जो निकलवाना चाहता है उसका नाम डाल देता हूँ, जो कोई भी डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा है यानी कि निकलवाना चाह रहा है उसका नाम डाल देते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमें ये जो एड्रेस है यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जो इसका अप्लीकेंट का एड्रेस सेम ही है इसलिए।
दोस्तों अगर आपका अलग है तो आप अपना एप्लीकेंट का नाम एड्रेस अलग है तो वो अलग डाल सकते हैं, वरना आप सेम ही कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एक मिनट, एक अक्षर का थोड़ा फर्क है दोस्तों, अभी मैं इसे देख के ठीक कर देता हूँ। सेम ये गांव का नाम ऐसे भी आता है और वैसे। तो दोस्तों अभी मैं इसका नाम ठीक कर देता हूँ, जो भी इनका नाम है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा हम ऊपर आ जाते हैं और अब हम इसे हिंदी में भर देते हैं जो भी इसका खाली। तो दोस्तों इसे ये देखो दोस्तों, अब हमें हिंदी में कर लेते हैं और हिंदी का इसका नाम डाल देते हैं, एप्लीकेंट का जिसकी भी डेथ हुई इसका हिंदी में नाम डालना। तो दोस्तों आप इसकी पिता का नाम डाल देते हैं। तो दोस्तों ये जो आप हिंदी में हैं वो सही से ही देख के डालें जो इसके आईडी प्रूफ में है। तो दोस्तों अब मैं इसकी माँ का नाम डाल देता हूँ और अब मैं यहाँ इसका एड्रेस डाल देता हूँ दोस्तों, जो गांव है इसका वो, और इसके बाद है इनका डिस्ट्रिक्ट यानी जिला डाल देता हूँ। इंग्लिश में कई बार अक्सर थोड़ा मिसमैच उठा लेता दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही टाइप करें। तो दोस्तों अब इसका ज़िला डाल देते हैं, कौन सा ज़िला है इनका। तो दोस्तों ये मैंने इसका डिस्ट्रिक्ट भर दिया है और दोस्तों अब मैं यहाँ अपनी जीमेल आईडी डाल देता हूँ, जो भी मेरी जीमेल आईडी है। तो दोस्तों ये देखता हूँ मैं अपनी जीमेल आईडी होगी। तो दोस्तों अब इसके बाद हमें जो ये एप्लीकेंट है क्या इसका मोबाइल नंबर दे देते हैं, जिससे बनने के बाद इस पर SMS आ जाएगा कि आप सबका सर्टिफिकेट तैयार हो चुका। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहें। अगर आपको हमसे कोई और आपके वीडियो बनवानी है कोई कास्ट सर्टिफिकेट या किसी और बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं डाल देता हूँ इसका मोबाइल नंबर और यहाँ मैं टोकन नंबर डाल देता हूँ और यहाँ डेट आज की, और दोस्तों यहाँ मैं कैप्चा डाल देता हूँ नीचे। तो दोस्तों ये कैप्चा डालने के बाद सबमिट करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसकी डिटेल एक बार मैच कर लेते हैं कि जो भी हमने डिटेल भरी है वो ठीक है। तो मैं देख देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये डिटेल होगी इसकी, डेथ हो गया 2017 हो गया। तो दोस्तों स्पेलिंग आप जो हैं डॉक्यूमेंट में देख के वहीं डाले बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों अब इसका फादर नेम हो गया, तो दोस्तों मेल हो गया, फादर नेम हो गया और मदर नेम हो गया, ये इसका एड्रेस हो गया और ये जीमेल आईडी वगैरह। दोस्तों जो एप्लीकेंट का नाम हो गया। तो दोस्तों अब हम इन्हें थोड़ा नीचे ले आते हैं, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो ठीक है, वरना आपका कुछ गलत है तो आप एडिट से ठीक कर सकते हैं, वरना अटैच एन एक्सर पर करते हैं। तो दोस्तों अब ये एक आईडी लगा देता हूँ एप्लीकेंट की, आधार कार्ड और दोस्तों ये 200 KB से कम साइज होना चाहिए इसका, PDF में लगाना। सेव एन एक्सर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये पूरा फॉर्म फिर से खुल के आ जाएगा, आप इसे बिल्कुल सही चेक करें और ये जो आईडी लगाई इसे कन्फर्म करके चेक कर लेंगे ठीक है।
तो दोस्तों अब हमें मेक पेमेंट करनी इसकी, तो दोस्तों इसकी 55 रुपये फीस है और 30 रुपये सीएससी चार्ज है, यानी कि टोटल आपका, एक सेकेंड दोस्तों ये फीस दिखा रहा हूँ, 55 रुपये फीस और 30 रुपये सीएससी चार्ज होगा, 85 रुपये हो गए, यानी कि टोटल आपके। तो दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं और अब हमें सीएससी वॉलेट पर ले जाएगा। तो दोस्तों थोड़ी साइट स्लो चल रही है, इसीलिए हम थोड़ा वेट करते हैं। तो दोस्तों अब ये साइट हमारी खुलने वाली है और ये खुल गई। तो दोस्तों अब हमें यहाँ सीएससी का पासवर्ड डालना है, जो हमारा पासवर्ड है। तो दोस्तों मैं यहाँ अपना सीएससी का पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अपना सीएससी का पासवर्ड टाइप कर दिया और वैलिडेट कर दिया, और अब मैं यहाँ पर अपना वॉलेट पिन डाल लेता हूँ दोस्तों और पे कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद एक प्रिंट आएगा जिसे हमें सेव एज पीडीएफ करके रख लेना है, ये इसका फोटो उतार सकते हैं आप। तो मैं इसे सेव एज पीडीएफ करके सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये कर दिया मैंने इसको सेव, और इसका फोल्डर बना के इसमें नाम डाल दिया इसका, जो भी कस्टमर का आप जो भी नाम चाहें वो डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये फीस कर दिया मैं इसका। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा नीचे आना है, वैलिडेट पर, री वैलिडेट पेमेंट पर करना है, और अब यहाँ क्लिक करना आपको। तो दोस्तों अब आपको कुछ देर वेट करना है। तो दोस्तों अब इसके बाद आपके फीस सक्सेस हो जाएगी और आप कस्टमर को प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, आपको बैक वगैरह नहीं करना। तो दोस्तों ये होगा आपका प्रिंट, जो आप कस्टमर को निकाल के दे सकते हैं और ख़ुद भी सेव एज पीडीएफ करके संभाल के रख सकते हैं, इसी से आपका स्टेटस वगैरह चेक होगा। तो दोस्तों मैं इसे सेव एज पीडीएफ कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।